नमस्कार दोस्तों, मैं आज चंद लाइन मोदी जी के लिए पेश करना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर कर देना। कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को ये जरूर बताएंगे। 540 सीटों पे एक शख्स अकेला पूर्व विपक्ष से लड़ा था। मशहूर होने का मुझे कोई शौक नहीं है साहब, बस कोई मोदी भक्त कह दे तो छाती चौड़ी हो जाती है। देशद्रोह का कानून खत्म करके कांग्रेस क्या प्रदर्शित करना चाहती है? भारत में रहकर भारत को गाली देने वाले को कांग्रेस संरक्षण देगी। कांग्रेस को वोट देने से देशद्रोह का कानून खत्म होगा और भाजपा को वोट देने से देशद्रोह खत्म होगा। वोट और फैसला आपके हाथ में है। जिनके लिए सर्वोपरि होता है वो ना तो दलित होते हैं, ना ही शरण होते हैं, ना ही बनिया होते हैं, ना यादव होते हैं, वो सिर्फ देशभक्त होते हैं। जब बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, सियार, कुत्ता और गधा इकट्ठा होकर घाट पर पानी पीते हैं तो समझ जाना दूसरे घाट पे एक शेर पानी पी रहा है। कुछ ने कहा कि मोदी आने से क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस जो कश्मीर मांगते थे वो आज भीख मांग रहे। बुरा मान गया पागल। गद्दार नहीं खुदार चाहिए, कमज़ोर नहीं दमदार चाहिए। तुम्हें मुबारक वंशवादी सहजादे, हमें तो अपना चौकीदार चाहिए। जिन्हें शौक था तलवे चाटने का वो चाटुकार हो गए, और जिन्हें मोहब्बत थी देश से वो सब चौकीदार हो गए। खानदान की हिमाकत की दाद देनी पड़ेगी। पूरा परिवार भ्रष्टाचार में जमानत पर है और भाषण ईमानदारी पर दे रहे हैं। क्या लाजवाब हवा चल रही है देश में। 2014 में मोदी जी ने जनता से वोट मांगा था और आज जनता मोदी जी के लिए वोट मांग रही है। वो कहते हैं चौकीदार चोर है, लोग कहते हैं बिल्कुल प्योर है, और सब जानते हैं 2019 में आना बिल्कुल श्योर है। जैसे जियो नहीं आता तो बाकी टेलीफोन कंपनियां लूट का पता नहीं चलता, वैसे ही मोदी जी नहीं आते तो देशद्रोह का पता नहीं चलता। एक बात समझ में नहीं आई, अगर मोदी जी चोर है तो पप्पू का पूरा परिवार कोर्ट में क्या बवासीर का इलाज करवाने जाता है? विदेश के नेता मोदी के पीछे पागल है और भारत के नेता मोदी के कारण पागल है। कांग्रेस ने 55 साल राज किया और फिर भी खुद प्रचार कर रही है। मोदी ने सिर्फ 55 महीने काम किया और प्रचार जनता कर रही है। वोट करते वक्त ये याद रखना, हर अभिनंदन के लिए हमें राफेल खरीदना है और जीजा के लिए जमीन नहीं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये पंक्ति अच्छी लगी तो आगे शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और लास्ट वन सुनते जाओ, टीवी फोड़ो या सर फोड़ो, आएगा तो मोदी ही। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे? मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये दिखाओ।